आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पर्दे में क्यों रहा जाता है। अच्छा, पर्दे में रहने के लाभ और हानि आज इस वीडियो में देखिए। ठीक है, ना तुम दुकान पे पहुंचा देना, और हाँ ये पर्दा करके मत आना। लोग मुझसे कहते हैं तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बहुत पुरानी सोच के हो। हमारा एक छोटा बेटा है, बिना पर्दे के बाहर निकलेंगे तो कितना अजीब लगेगा। ये पर्दा वर्दा कुछ नहीं है, अब से खाना रोज तुम लेकर आओगी, और हाँ बिना पर्दे के। अब ठीक है। 5 years later 5 साल हो गए, पहले पर्दे में रहती थी, अब बिना पर्दे के रहती हो, बताओ कोई फर्क पड़ा? बेपर्दगी का फर्क तो बहुत पड़ा है, आप वहाँ चुप जाइए। अरे अम्मी क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने मारा। पापा ने मारा है तो क्या हुआ? पापा आपसे प्यार भी तो बहुत करती हैं। तुम्हें मारा क्यों? बुलाओ बाप को, अभी मैं मारूंगा। क्यों बे? अपने बाप के बारे में ऐसा बोलता है? पहला बेटा तब हुआ जब मैं पर्दा करती थी, इसने आपकी इज्जत पर पर्दा रखा। दूसरा बेटा बेपर्दगी के वक्त पैदा हुआ, इसने आपकी इज्जत नहीं की क्योंकि ये बेहयाई में पैदा हुआ। तुम सही कहती हो, बेपर्दगी का असर औलाद पर भी पड़ता है। अच्छा।